बेटा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फिश और उसको रखना बहुत ज्यादा ही आसान है, लेकिन फिर भी हॉबीज जस्ट लाइक मी फेल हो जाते हैं बेटा को रखने में। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी इस फिश की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों फिश इतना आसान होने के बाद भी जल्दी मर जाती है। बिकॉज बहुत सारे वीडियोज भी अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेटा फिश जो है वो मोस्टली नंबर वन पे ही रहती है। तो इन सारे रीजंस को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। होपफुली मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर कर पाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग बेटा फिश के बारे में बात करेंगे, जिसको सियामीज फाइटिंग फिश भी कहा जाता है, फाइटर फिश कहा जाता है। दीज बेटास आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम थाईलैंड शैलो वाटर्स में, इनके वेजिटेशन के जो इनके खेत होते थे वहां पे पाई जाती है ये। थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बेटा के बताना चाहूंगा। बहुत साल पहले, 150 से 200 साल पहले, थाईलैंड में बच्चे इनको, इन फिशेस को ले आते थे, छोटे छोटे अपनी बॉटल्स में रखा करते थे। उन्होंने नोटिस किया कि दो फाइटर आपस में बहुत ज्यादा लड़ती है, तो ये एक तरह का खेल बन गया था, एक स्पोर्ट्स की तरह लिया जाने लगा था। तो नाउ व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। फाइटर फिश को फाइटर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ दे आर यूज्ड फॉर दिस, कि इनको जो है आपस में लड़ाया जाता था, इन पे बेट लगती थी। ये प्रोसेस से धीरे धीरे एक्वेरियम ट्रेड में वो पॉपुलर होने लगी, तो वहां के जो किंग थे उनको इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में पता चला। देन दे स्टार्टेड यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिश। ये पूरी तरह से धीरे धीरे हॉबी में पॉपुलर होने लगी, एक्वेरियम्स में रखे जाने लगी। उसी से ही इसका नाम सियामी फाइटर फिश लगा, बिकॉज थाईलैंड को भी पहले, बहुत साल पहले, सियाम कहा जाता था, तो उस पर ही इसका नाम है, सियामी फाइटिंग फिश। देन साइंटिफिक नेम बेटा है, और भी बहुत से प्रकार भी कहा जाता है बेटा, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल वॉरियर इन देयर ओन लैंग्वेज। नेचुरल में इनके कलर ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, या ये तो ग्रीन में आती है, ब्लू हो गया, रेड हो गया, तो कुछ गोल्डन कलर्स हो गए, तो इस सॉलिड कलर्स में ये वाइल्ड में पाई जाती है। लेकिन आजकल अपनी हॉबी में ब्रीदिंग, क्रॉस ब्रीदिंग बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है, हर फिश के साथ ये किया जाता है, तो इनके साथ भी ऐसा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग बहुत सारी वैरायटीज बेटा की मार्केट में देखते हैं, लाइक फुल मून हो गया, हाफ मून, कैंडी हो गए, डिफरेंट कलर्स में। लाइक बेटा के लिए कलर वेरिएशंस का ऑप्शन ही अनलिमिटेड है, इतने पैटर्न्स में अवेलेबल हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये सब रिजल्ट है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। फाइटर फिश के लिए बहुत ज़्यादा ही मिसकंसेप्शंस हैं कि वो छोटे से एक्वेरियम में रह सकती है, उसके लिए हीटर की ज़रूरत नहीं है, फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हम लोग को मिसलीड करती हैं, बिकॉज वेन एवर यू गो टू द शॉप, आप एक्वेरियम की शॉप पर जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, वहीं नहीं, अगर इनको ब्रीड भी करते हैं लोग तो छोटे छोटे ग्लास में रखते हैं, कप्स में रखते हैं, उसमें ही ये कुछ टाइम के लिए रहती हैं, देन दे आर इम्पोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज, या एक्वेरियम शॉप्स पे जाती हैं। और हमारे एक्वेरियम शॉप्स पे आप देखोगे कि एक एक प्लास्टिक बैग में वो हफ्तों रहती है, जब तक उसको कोई खरीद नहीं लेता है तो वो उसी प्लास्टिक बैग में बंद रहती है। इस चीज़ को देख के जब हम एज अ बायर जाते हैं तो हमें भी यही लगता है, और शॉप वाले भी यही कहते हैं कि ये कैसे फिश है, तो उनसे अगर पूछो भी तो वो यही कहते हैं कि ये छोटी फिश है, ये बहुत लंबे रह सकती है, इसको खाना भी ना दो बहुत दिन तक तो चलता है, ठीक है, छोटी जगह में रह सकती है। हम लोग भी घर आके ऐसी चीज़ करते हैं कि छोटे से एक्वेरियम में उसको रखते हैं, कि जबकि ये टोटली सही नहीं है बल्कि रॉन्ग है। फाइटर एक ट्रॉपिकल फिश है, ठीक है, उसको वार्म वाटर ज़्यादा पसंद है, तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट फ्रॉम 24 to 28 degrees, ये ध्यान रहे कि टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। टेम्परेचर किसी भी फिश के लिए जब कम होता है तो उसको डिजीज़, बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई हो जाता है तो 1-2 degree अप से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेस्ट है कि आप मेंटेन करें 28 के ऊपर। एक फाइटर के लिए 10 लीटर का एक्वेरियम काफ़ी होता है, ये बात भी सही है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं, बिकॉज आप कभी किसी ब्रीडर को देखो तो वो छोटे एक्वेरियम में रख रहा है, तो वो उसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए, जहाँ पर उसकी फिश एक एज की, एक एडल्ट पहुँची 5-6 महीने बाद, वो उसको सोल्ड आउट कर देता है, वो प्रोडक्ट मूव हो जाता है, तो वो हमेशा उस छोटे पार्ट में नहीं रहती है। एक्वेरियम शॉप पे आप जाते हैं तो उनको तो बस बेचना है, तो वो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं निकाल के रख दें, ठीक है, और छोटे पैकेट में रखते हैं। फिर जब वो हमारे पास आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एटलीस्ट आप 1 फिट का अगर नहीं बना सकते हैं तो
कम से कम 10 इंच का क्यूब एक्वेरियम बना ले, कभी भी फाइटर को या किसी भी फिश को, चाहे वो जितने भी छोटे इन्वायरमेंट में रह ले, उसको किसी बोल में ना रखें या बहुत छोटे से जार में या मग में, इसमें ना रखें, वो फिश कभी भी हैप्पी नहीं रहेगी। एज आई टोल्ड यू इन द हिस्ट्री कि वो शैलो पॉन्ड्स में जहाँ पे वाटर का मूवमेंट कम होता है, तो उसके पीछे रीज़न दूसरा है, फाइटर को थोड़ी सी जगह चाहिए स्विम होने के लिए। यूजली वो क्या है कि किसी भी दूसरी फिश से या कोई और उससे बड़ी फिश या दूसरी फाइटर से बचने के लिए वो जंप करके दूसरी जगह पे जाती है, यू नो, अपनी प्लेस चेंज करती रहती है। जब उसको मेट करना होता है ब्रीडिंग के टाइम पे, उस टाइम पे वो सर्च में जो है पॉन्ड टू पॉन्ड जंप करती है। ट्रॉपिकल एरिया है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर 30-32 पहुँच जाता है, तो उसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उससे पानी जहाँ पे वो रहती है वो शैलो हो जाता है, कम पानी का एरिया हो जाता है। तो लोगों के कंसेप्शन यही है कि ये कम जगह पे रह लेती है। आई थिंक फाइटर बेटा फिश के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो इतनी आसान है, इतनी स्टर्डी स्ट्रांग फिश है, इसी वजह से हम उसको और चैलेंज दे देते हैं और छोटी से छोटी जगह पे रख लेते हैं। डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, बिकॉज फाइटर फिश का जो लाइफ स्पैन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही छोटा है, 3 से 4 साल रहती है। समटाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में है तो वो 6-7 साल भी हो जाता है, लेकिन एवरेज टाइम 4 साल ही है। और हमारे एक्वेरियम में, हमारे घर में, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में रखा है, तो वो 5-6 महीने से ज़्यादा कोई भी फिश सर्वाइव नहीं करी है। ओके, देन नेक्स्ट कम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फाइटर को हीटर की ज़रूरत है या नहीं है। तो ना ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर रहते हैं। अगर आपके यहाँ पर नेचुरली रूम टेम्परेचर 25 से 28 के बीच में रहता है तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा एग्जांपल ले लें, विंटर्स में यहाँ पे 16-17 डिग्री हो जाता है और कम हो जाता है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग जिनके यहाँ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कम है, तो आपको एक हीटर की ज़रूरत रहेगी जिससे आप टेम्परेचर 28-27 पे मेंटेन करके रखें, 26 मेंटेन करके रखें अगर आप प्लांटेड सेटअप कर रहे हैं। नो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट फाइटर, फिल्टर की ज़रूरत है। फाइटर के साथ एक्चुअली इनके फिन्स भी बहुत ज़्यादा, जो फुल हाफ मून है या फुल मून होते हैं, उनके जो टेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, उसकी वजह से उन्हें स्विम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो नेचुरली भी जहाँ पाई जाती हैं वहाँ पे पानी जो है स्लो मूविंग होता है, इसलिए उनको फास्ट तेज़ पानी की आदत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे एक्वेरियम में रखोगे जहाँ पे आपके यहाँ आपके एक्वेरियम में बहुत ही पावरफुल इंटरनल फिल्टर लगा हुआ है, तो वो फाइटर स्ट्रेस में रहेगी, और या फिर ऐसी जगह पे ऐसे स्पॉट पे हाइड करेगी जहाँ पे मूवमेंट कम होगा, लेकिन फिर भी उसको फिल्टर की डेफिनेटली ज़रूरत है, बिकॉज हम लोग नेचुरल नेचर से डेफिनेटली जो है कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज नेचर में पानी की जो है साइकिल होता है, फिल्टर हो जाता है, बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, वेजिटेशन होता है, फाइटर्स जहाँ पाई जाती है वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से अमोनिया भी नहीं बढ़ पाता है बिकॉज, और नाइट्रेट भी नहीं बढ़ पाता है बिकॉज प्लांट उसको कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो एक नेचुरल सी साइकिल बनी होती है जो हमारे छोटे एक्वेरियम्स में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है विदाउट अ फिल्टर एंड वाटर चेंज। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि फाइटर के लिए आपको फिल्टर या वाटर चेंज की डेफिनेटली ज़रूरत है। वो इतनी भी, कोई भी फिश चाहे वो जितनी आसान हो, वो अमोनिया को या नाइट्राइट को जो है झेल नहीं सकती है। आप अपने एक्वेरियम में इसको हैंग ऑन बैक फिल्टर लगा सकते हैं। आप फिल्टर नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप ये ध्यान रखें कि आप वीक में 30-40% वाटर चेंज ज़रूर करें। मैंने अपने फाइटर के लिए, अगर आप देखें तो इंटरनल फिल्टर लगाया, उसका फ्लो अच्छा खासा है, लेकिन मैंने सेटअप ऐसा कर रखा है कि जाली लगी हुई है और पीछे की तरफ जो है इसका फ्लो रहता है, तो एक तरह का सर्कुलेशन भी है और फाइटर्स को जो है इससे मूवमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो अपने अपने कंपार्टमेंट में ज़्यादा पानी का मूवमेंट कम होता है, लेकिन एक एक्सचेंज ज़रूर रहता है। इनके जो ऑर्गन्स हैं उसी तरह से ही डेवलप है। आपको अगर एयरस्टोन की बात आए तो आपको एयरस्टोन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये डायरेक्टली हवा में ऊपर से पानी के सर्फेस पर जाके सांस लेती है। तो आपको इसमें जो है कोई भी सर्फेस पर मूवमेंट डेफिनेटली नहीं करना है बिकॉज इससे आपके फाइटर को डिस्टर्बेंस होगा, या आपको कोई भी एयरस्टोन लगाने की या स्पॉन्ज फिल्टर जो छोटे से आते हैं उसको लगाने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फाइटर जो है, फाइटर का नाम इसीलिए ही पड़ा है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिकॉज दे आर नोन फॉर फाइटिंग विद देयर ओन स्पीशीज़। तो एक फाइटर कभी भी दूसरी फाइटर के साथ नहीं रह सकती है, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव, तब तक लड़ती रहेंगी जब तक एक मर ना जाए। इसलिए कभी भी आप फाइटर को जो है उसके साथ कोई भी दूसरी बेटा फिश ना रखें, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो। समटाइम पीपल डू कीप फीमेल्स ऑल टुगेदर या दो फाइटर एक साथ रखते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनके टैंक का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसमें हाइडिंग स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस रहेगा फिश के ऊपर। ये इतनी एग्रेसिव है अपने दूसरी फाइटर्स, दूसरी बेटा फिश के लिए, कि अगर आप मिरर अपने एक्वेरियम में डालोगे तो ये जो इनका खुद का रिफ्लेक्शन है वो उसको भी फ्लेयर
करती हैं, उससे भी लड़ने की कोशिश करती हैं, उनको लगता है कि कोई दूसरी फिश है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दूसरी स्पीशीज़ के की तरफ बहुत ज़्यादा ही पीसफुल हैं, कोई भी हार्म कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बिल्कुल भी अटैक नहीं करती हैं। कोई अलग आपने फ़िश इनके साथ रखी है, बट देर आर वेरी लेस ऑप्शंस फॉर फाइटर फिश। बेस्ट है कि आप इसको अकेले ही एक छोटे से 10 इंच के क्यूब में रख सकते, एक प्लांटेड टैंक आप तैयार कर सकते हैं, छोटा मोटा लो टेक प्लांटेड टैंक में अगर आप इसको रखोगे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको प्लेंटी ऑफ हाइडिंग स्पेस मिलेगी, प्लेंटी ऑफ जगह मिलेगी जहाँ ये एक्सप्लोर कर सके, बिकॉज फाइटर की ये नेचुरल हैबिट भी है कि वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, लार्वा को खाती है, उसकी सर्च में इधर उधर आपके डेकोरेशन में घूमेगी, उधर छुप जाएगी। उसी की कुछ स्पीशीज़ आती हैं लाइक स्नेल हो गया और नियॉन टेट्रास हो गई, सम एम्बर टेट्रा, स्मॉल छोटी टेट्रा है आप उसके साथ रख सकते हैं। गप्पी वगैरह होती है या मॉलीज के साथ इनको ना रखें, बिकॉज ये इनकी जो फैंसी बड़ी बड़ी टेल्स हैं वो दूसरी फिश को अट्रैक्ट करती हैं, तो इनकी टेल को वो निप करेगा तो इनको अगेन डेफिनेटली स्ट्रेस होगा। फाइटर आर नोन हंटर ऑल्सो, तो अगर आप इनको किसी भी, अल्टीमेटली लोग रखते ही हैं, मॉली के साथ रख दिया या गप्पी के साथ रख दिया, तो इस बात का ध्यान रखें ये चुन चुन के बच्चों को या श्रिम्प्स के साथ रख दिया तो उनको ये डेफिनेटली खा जाती है। ऑलवेज रिमेंबर कि फाइटर कैन जंप ऑल्सो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका एक्वेरियम बहुत ज़्यादा ही शैलो ना हो, छोटे से बर्तन में ना रखें, बिकॉज उसमें उसको हमेशा ये रहेगा कि जो है बड़ी जगह ढूंढे तो वो दे मे जंप। बेटा फिश जो है कार्निवोरस फिश है, मोस्टली इन द वाइल्ड दे फीड ऑन दूसरे फिश के अगर बेबीज हैं उनको खा सकती है, इंसेक्ट के लार्वा है, मच्छरों के, मॉस्किटोज के, ठीक है, दूसरे इंसेक्ट जो पानी के बाहर है तो ये जंप करके उनको भी पकड़ सकती है। तो उसी से ही फीडिंग में भी आप अगर इनको जो है हाईली न्यूट्रिशियस डाइट दें, फीडिंग आई थिंक किसी भी फिश के लिए सेम है, आप उसको डिफरेंट डाइट्स दें, चाहे वो ब्लड वॉर्म हो, चाहे वो फ्लेक्स हो या पैलेट्स हो, पर ध्यान रहे कि छोटे छोटे साइज के पैलेट्स हो जो इनके मुंह में आसानी से फिट हो और ये खा सकें उन्हें। डाइट हमेशा जो है चेंज करते रहें, कभी वीक में एक बार कुछ दे दिया, कभी दूसरा खाना दे दिया, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है किसी भी फिश के लिए। आपको हमेशा खाना अच्छा देना है और एक वैरायटी ऑफ डाइट्स देनी है ताकि आपके फिश अच्छी हेल्दी ग्रो करें, उसके कलर्स अच्छे आएँ। फॉर मी मैं कोशिश यही करता हूँ, मेरे पास बेटा के 2-3 तरह के खाने के ऑप्शंस अवेलेबल है, एक्वा लैब का फिश फूड देता हूँ मैं, अच्छा है, दे लव इट, ब्लड वॉर्म्स मैं उनको देता हूँ, तो सारी चीज़ें ये खाती हैं, कोई ज़्यादा नखरे नहीं है ऐसा किसी फिश की तरह, इनका ऐसा कोई चॉइस नहीं है, हर तरह का फूड ये इजीली एक्सेप्ट करती है। बेटा फिश का मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ही आसान है, बिल्कुल भी व्हेन यू सी द मेल, उसके जो फिन्स हैं, उसकी टेल है, किसी भी मेल फिश की तरह जो है बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं। फीमेल भी कलरफुल होती है, लेकिन उसके जो टेल्स है, उसकी जो जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी सी मेल के कंपैरिजन में छोटी होगी, उसके जो फिन्स हैं, उसकी टेल्स हैं, वो थोड़ी बहुत स्मॉल होगी। नाउ ब्रीडिंग के ऊपर भी मैं जो हूँ, मैंने सोचा था कि इसमें आपको ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे, बिकॉज मेरे पास फीमेल भी है, मेल भी है, और मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा किस तरह से ब्रीडिंग करते हैं, क्या तरीका है इनको ब्रीड कराने का, किस तरह से मेल जो है बबल के घंटों जो है बबल के नेस्ट बनाता है जिसमें फीमेल के अंडे वो जो है प्लेस करता है आफ्टर डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा आगे आने वाले वीडियोस में। फाइटर के साथ बस ब्रीडिंग का ही टाइम एक ऐसा टाइम है जब आप दो फिश मेल फीमेल को एक साथ रख सकते हो, और उसमें भी आपको जो है केयरफुल रहना होगा, बिकॉज ये जो एक ब्रीडिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी जो है एग्रेसिव होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट फिश ऑल्सो है, बहुत ही सस्ती है मार्केट में, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही हाई नहीं है। कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ जो फाइटर की आती हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा फिश के बारे में। एज आई सेड, बहुत ही कलरफुल, बहुत खूबसूरत फिश है, बहुत आसान है रखना, बहुत ज़्यादा ही आसान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारे मिसकंसेप्शन की वजह से दूसरी जगह पे, स्पेशली एक्वेरियम शॉप्स पे जाके हम जब देखते हैं कि ऐसी तरह से इनको रखा जाता है, तो कुछ लोगों को तो हमदर्दी होती है, लेकिन कुछ लोगों को यही लगता है कि इसको छोटी सी जगह पे रखेंगे तो वो खुश रहेगी, तो ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर स्पेशियस एक्वेरियम बनाएं और अपनी हॉबी को, अपनी फ़िश को, अगर आप इस फिश कीपिंग को इंजॉय करना चाहते हैं, अपने कलर्स जो है वो दिखा सके आपको, बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल, छोटी जगह पे कम वाटर क्वालिटी, पुअर वाटर क्वालिटी में आप उसको रखेंगे, उसके कलर्स भी इतने अच्छे नहीं आएंगे, फिश भी आपकी बहुत टायर्ड सी फील करेगी बेकार वाटर, ख़राब वाटर क्वालिटी की वजह से, तो वो आपको फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगी।
ठीक है। तो एक आसान फिश को थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे से रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके एक्वेरियम की जान लगेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट्स करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। मेरा नया रूम आप देख रहे होंगे, अब मैं ऊपर नहीं नीचे हूँ, तो इसको देखने के लिए आप ये सारी चीज़ें मिस ना करें, तो बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।